के कार्ड से चोरों की हाथापाई, पुलिस कार्यवाही शक के दायरे में। कुछ रोज पूर्व हमने आपके सामने चंद्रपुर जिले में आने वाले बल्लार शाह वेस्टर्न कोल्ड फील्ड की त्रिमूर्तियों का भेद बेनकाब किया। त्रिमूर्तियों के कथनी और करनी का पूरा काला चिट्ठा आपसे हमारे चैनल ने साझा किया, जिसके बाद हवा यहां तक चली कि बल्लार शाह के पूरे एरिया में कोयला चोरी का खेल मानो पूरी तरह से बंद हो गया हो। यह कुछ मायने में सही भी था, लेकिन 4 मार्च को आई जानकारी से बल्लार शाह वेस्टर्न कोल्ड फील्ड का एरिया फिर से एक बार सुर्खियों में आ गया है। बल्लार शाह सब एरिया के चेक पोस्ट पर तैनात सुरक्षा कर्मी पर कुछ कोयला तस्करों ने हमला कर दिया। यही नहीं, पुलिस ने भी चोरों का पक्ष लेते हुए सुरक्षा में तैनात गार्ड पर ही मामला दर्ज कर दिया। लेकिन गार्ड के रिपोर्ट पर से आईपीसी की धारा 353 के तहत जो मामला पुलिस को दर्ज करना चाहिए था वो ना करते हुए पुलिस ने सिर्फ कागजी घोड़े भगाए। इस संदर्भ में हमने पुलिस थाने के इंचार्ज से मालूमात लेने की भी कोशिश की, लेकिन थानेदार प्रदीप शिरस्कर इन्होंने जानकारी देने का साहस नहीं दिखाया, जिससे पुलिस और चोरों में काफी अच्छे संबंध होने की बात भी सामने आ रही है। इसलिए पुलिस इन चारों पर किसी तरह की कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर पाती। वैसे तो जिले की पुलिस मुखिया अपने कठोर रुबाब के चलते अवैध धंधों पर अंकुश लगा रही है, पर यह भी देखना उतना ही दिलचस्प होगा कि बल्लार शाह में चल रहे अवैध धंधों पर कब नकेल कसने में कामयाबी मिलेगी, या फिर यहाँ के अवैध धंधे ऐसे ही सिर उठाकर चलते रहेंगे। नागपुर से प्रणीत तावाड़े की रिपोर्ट।